So hey guys, welcome back to my another blog. Good morning, and you know that today's very special day. आज मेरे भाई यानी बहुत ही जिगरी टुकड़े का आज बर्थडे है. तो आप जो है ना विश करो, बहुत अच्छी सी विश करो और जो कमेंट को भरो थोड़ा सा. कमेंट तो आप करते ही नहीं. थैंक यू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोल रहे हैं. ये सीन तो आपको हम दिखाए करते, वैसे भी कोई मैनुअल है आपके लिए तो वो तो आपने देखा ही होगा हर ब्लॉग्स में, लेकिन आज जो है ना अलग फील आ रहा है ना. क्यों आंसू भाई इधर को, मतलब बढ़िया लग रहा है, एकदम मंद मंद तगड़ी वाली फीलिंग आ रही, मंद मंद हवा दुर्गंध ना फैला रही. लेकिन गाइस सी दिस, इधर को जो ग्रीनरी देखो, इधर ये जो लौकी बोई है यानी गार्ड्स, एंड उधर को तुरई, एंड ऐसे ही मतलब सब कुछ है. और इधर हम भी लोग खड़े हुए हैं, बस आपको दिखा रहे हैं कुछ बढ़िया से सीन्स कि आप भी देखो, विलेज को एक्सप्लोर करो कि है कैसे, क्या है क्या नहीं. ओके जस्ट आपको दिखाते फुल डे ब्लॉग क्योंकि आंसू का बर्थडे है. लोग बहुत मजे कर रहे थे, बहुत अच्छी हंसी आ रही थी. थोड़े बहुत से जो ना शॉट ले रहे थे ऐसे घूमने नाचने वाले, ऐसे ही गर्ल्स वाले बहुत मजा. मेरी जान तूने मुझको पागल किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर. वी आर नॉट गुड सिंगर बट फीलिंग फुल पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी. With my big brother, बहुत लेट आते हैं ये लोग, देखो कितनी लेट है. हार्दिक शुभ धन्यवाद. बहुत लेट आते हैं, कितनी कहाँ इतनी लेट मैं हूँ. तुम बहुत लेट कर गया हूँ. फिर भैया के साथ बैठ लिए गाड़ी पे और चल दिए फिर अपनी मंजिल पे यानी वहीं बाग पे. और उधर को जो देखो, इधर ग्रीनरी कितना मस्त लग रहा है और ये मैं और इधर कितना ठीक है ना. इधर को जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, पीछे भैया आंसू गाड़ी चला रहा है बहुत अच्छा. ये चैलेंज गिर गए भाई, बधाई हो गिराने के लिए. लेकिन खराब हम गिरा दूर से और कुछ पास से और कुछ, जस्ट लाइक इंसान से कुछ और पास कुछ और, जैसे कि लड़कियां. ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है. अपने फेस पे कैमरा लाए और थोड़ी बहुत स्माइल की. भैया आम खा रहे हैं, देख रहे हो भैया कोई. पार्क से निकल लिए, अब जा रहे हैं इधर का व्यू देखो. घर पर तो आ गए, इधर को अब देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नहा लेते हैं फिर काट रही हैं. तो हो गए इधर को ना, बारिश हुई तो इधर का ग्रीनरी देखो कितना तगड़ा हो गया. और इधर ये देखो अमरूद, और ऐसे ही मतलब ग्रीनरी तो बहुत तगड़ी है, ऊपर का क्लाउड्स एंड सब कुछ एकदम बेटर लग रहा है. ठीक है, काफ़ी देर हुई इधर लाइट नहीं आ रहा था तो रूम पे बैठे थे. तो अब जो है ना कुछ नहा ले फिर उसके बाद जाए मैगी ले. पहले मैगी खाने का, बहुत ठंडा मौसम है, बारिश हुई तो मैगी ले आते हैं. फिर अभी दिखाते हैं आपको कैसा मेरा डेली रूटीन है, हाउ कैसे. मैगी भी दुकान से ले आए और अब देखते हैं मैगी बने और बढ़िया खाते हैं. काफ़ी मस्त लगता है वैसे मैगी, माई फेवरेट. हाँ तो लिया है और अभी तो 7:30 बजे हैं और इस समय ना तो मतलब मैं बर्थडे डेली सुबह सुबह नहा लेता हूँ. तो मतलब अब जो है मैगी भी बन गई, मैगी खाते हैं और देखते हैं क्या होता है. है मेरी मैगी 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 मैगी. हे गाइस, अभी तो सुबह जो है ना मैगी खाने के बाद और जो है ना फिर थोड़ा सा मुझे वीकनेस लगी तो फिर मैं सुबह लेटा, फिर उसके बाद नींद आ गई, फिर उसके बाद सो गए और अभी उठे 11 बजे. 3 घंटे सोए वैसे तो काफ़ी ठीक लगा, कुछ मस्त लग रहा है. और देखते हैं अभी आज दिन में क्या होता है. वैसे आंसू का बर्थडे है तो देखते हैं आंसू की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ मेमोरेबल. आज का जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा, वाकई आज का मौसम बिल्कुल चिल्ड है, ना धूप है, बढ़िया हवा चल रही. मेरे बाल उड़ रहे कि नहीं? नहीं उड़ रहे. वैसे देखते हैं आज मौसम वाकई आज बहुत अच्छा है. आज आपको पूरा दिन कैप्चर करते हैं पूरा कैसा होता है. उनके घर की तरफ चलते हैं और बढ़िया लग रहा है, वैसे मौसम भी ठीक है. ये खा लो. हाँ भाई धन्यवाद भाई. चौराहे पे खड़े हैं सरजीत भाई. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, गुड नाइट.
फिर अपना शिवम भाई आया, तो शिवम भाई के साथ थोड़ी सी वो राइड करी चौराहे पे, इधर उधर थोड़ा सा घूमा और काफ़ी मजा आई, तो बिल्कुल औसम था। तो उसी लिए मैंने सोचा कि चलो ना चलते हरोनी समोसे खाने। तो उधर पहुंच गए हरोनी भाई के साथ, मैं आसू भाई के साथ हरोनी इधर को समोसा खाने हरोनी में समोसा भी खाया। फिर उसके बाद जो है ना हरोनी स्टेशन पे आए हम, तो देखो जरा कितना बढ़िया लग रहा है, इधर को सब ग्रीन ग्रीन ब्लू, और इधर फिर थोड़ी बहुत बारिश होने लगी तो थोड़ा सा बूंदों में थोड़ा सा सूट कराया। इधर तो बहुत मजा आई, वैसे बारिश भी होने लगी, थोड़ा बहुत भीगे भी। अब देखते घर चलते हैं ना आंसू भगवान मेहरबान भगवान मेहरबान ऑन किसान के लिए बस वापस हो रहे हैं। तो लौटा है भाइयों के साथ समोसा खा के, वाकई उधर को बढ़िया लगा, बारिश हो रही थी झिमझिम झिमझिम हल्की सी, और उधर को ना काफ़ी हवा भी चल रही थी, और काफ़ी अच्छा लगा उधर ट्रेन की पटरियों की तरफ, तुम यू नो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही मतलब उधर काफ़ी इन्जॉयमेंट किया दोस्तों के साथ, लेकिन उतना ही टाइम का इन्जॉयमेंट। लेकिन अब जो है ना घर आ गए, बड़ा बोरियत, इधर क्या करे क्या नहीं, इस टाइम एक तो 12th में फेल हो गए, अब क्या बताया आई, और अब कॉलेज भी नहीं, अब फिर से पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं। वैसे लाइफ बड़ी मेरी 5 महीने 6 महीने से बहुत ख़राब है, मतलब इसीलिए मैं थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को बैकअप यानी कह सकते हैं कि हैप्पी मोमेंट्स बनाने के लिए, जस्ट थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा बोरियत ना लगे, तो इसीलिए बस ब्लॉग कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि कोई शेयर करने वाला तो सब चले गए दूर, और जस्ट ठीक ठाक है सब, लेकिन बहुत ज़िंदगी बोरियत है 6 महीने से, और देखते हैं आज का दिन आपको दिखाते हैं मेरा। वैसे अभी तो इधर बैठे हुए हैं, और है कि इनकमिंग डेज जो है ना थोड़ा बायोलॉजी का सेटअप स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, भले बायोलॉजी में फेल हो गए कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए वो चीज़, लेकिन मैंने पढ़ा था बायोलॉजी फिर भी पता नहीं कैसे चेकिंग हुई, बट अब जो है ना बायोलॉजी सोच रहे हैं कि थोड़े दिन में इस रूम को जो है थोड़ा मेंटेन करते हैं और बायोलॉजी का कोचिंग पढ़ाते हैं, और ऐसे ही मतलब बायोलॉजी का कोचिंग नहीं, ऑनलाइन वीडियो जैसे आप देखते हो ना कि किसी एक टॉपिक पे वैसे ही शूट करेंगे, और ऐसे ही सोचा है क्या करना क्या नहीं। अभी तो अर्निंग के लिए भी सोच रहे कोई एफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा करने का, कुछ तो करना पड़ेगा जीने के लिए, वैसे दिन तो बोरिंग है तो क्या हुआ। अब हम जा रहे हैं आयुष के घर, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई लगा है भाई के यहाँ, भाई लोग बहुत सपोर्ट करते हैं वाईफाई में, तो उधर को जो है ना जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, तब आप शाम को देखना, इसीलिए जा रहे हैं अपलोड करने के लिए। तो फिर घर से तो निकल लिए, अब जा रहे हैं देखते आयुष के घर के लिए निकले, और इधर को धूप तो रहा है लेकिन क्या करना है, धूप हो रहा है तो जाना है, तो कुछ काम करना है तो धूप क्या क्या देखना। फिर उसके लिए वहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए उस घर चले गए, फिर उसके बाद उस घर पे थोड़ी देर रुके 10-5 मिनट, फिर उसके बाद वहाँ पे आयुष के घर के लिए निकले। इधर का देखो बाहर का लुक देखो कितना बढ़िया लग रहा है इस घर से, और मौसम अच्छा था ना तो इधर को मैं स्लीपर्स देख लो, और ऐसे ही फिर थोड़ा आगे चले और थोड़ी सी सेल्फी ली, और तो भैया के साथ बतासे खा रहे इधर जा रहे थे आयुष के उधर, लेकिन बतासे ये क्लाउड्स देखो आज आपको इस ब्लॉग में सब क्लाउड्स ग्रीनरी ये सब दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है इधर का भी देखो, अच्छा है ना वाकई काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर को। अब देखते हैं चलते आयुष के उधर, तो जा ही रहे हैं पैदल 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 तो चल रहे, लेकिन पैदल चल में ना बोरिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज धूप भी नहीं है, बजे तो 4 है पर धूप नहीं है, मतलब बिल्कुल मस्त था, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास का मौसम है। तो मतलब बारिश हुई तो यू नो दैट बारिश हुई तो सब कुछ बढ़िया होगा एक्चुअली। आयुष के घर के बाहर तो पहुँच गए, अब अंदर चलते हैं, तो आ गए इधर को अपलोड कर रहे हैं, और बस ऐसे ही बहुत बढ़िया लग रहा है इधर को मौसम तो। ये सुनो हाँ ये देखो मिलो मेरी मैगू से, ये देखो मैगू कितनी बढ़िया लग रही है, ए मैगू इधर देख ही नहीं रही थी पागल। फिर इधर जो है ना मैगू के साथ थोड़े से शॉर्ट्स लिए, मैगू के साथ थोड़ा सा खेल रहे थे, ये जब आओ ना बिल्कुल चिपकने लगती है ऐसे ही करके। तो देखो मैगू जमाई ले रही, इसको नींद आ रही, तो वैसे आयुष पीछे, तो आयुष और मैगू की बहुत लड़ाई होती, तो इधर फिर आयुष इधर का वीडियो भी अपलोड कर दिया आयुष के इधर से। तो अब जाने घर, देखते हैं आयुष पैदल पैदल
और मैगी। बाय बाय। अपनी लंबरगनी में, ये मेरी लंबरगनी और पीछे आयुष लंबरगनी में बैठा है। बहुत मजा आती हुई गाइस, बहुत मजा आती हुई गाइस। और इधर को जो है ना, ये कंट्रोल नहीं हो रही। और आप लंबरगनी चलाएंगे तो हम उससे ले जाइए, अगर जो नहीं चलानी तो कोई बात नहीं, आपके पास होगी वैसे। और इधर का काफी मजा आ रहा है, क्यों आयुष भाई? बहुत ही मजा आ रही है, क्या वाइब्स है भाई। वाइब्स वाइब्स वाइब्स, ऑसम वाइब्स। कहीं यार घुस ना जाइए लंबरगनी। लंबरगनी तो हम लोग चला रहे हैं, वैसे अच्छा फील आ रहा है। तो आयुष तुमको बैठने में कितना फील आ रहा है? बस पीछे के थोड़े पुर्जे ढीले हो रहे हैं गाइस। अच्छा, हचकों में गचकों गचकों। और मज़ा तो बहुत आई भाई। अब चलते हैं घर, आयुष जिम जाएगा और हम तो घर जाएंगे अब। आयुष, आंसू का बर्थडे भी है आज, केक काटेंगे हम लोग, है ना आंसू? आयुष देख रहे हो भैया कितनी तेज चल रही, बहुत तेज चलाई तरह है ना, एकदम तेजी। मूड बदला तो फिर गए बाग, बाग में थोड़ा सा लेटे और इधर को बढ़िया लग रहा था। फिर उसके बाद हो गए शाम, तो बारिश हो रही थी तो उधर हम लोग जा रहे केक काटने के लिए आशुतोष का, क्योंकि उधर को आज लोग अब जा रहे हैं आशुतोष का बर्थ केक कट करने। इधर बारिश भी तगड़ी हो रही। हेलो गाइस, जय राम गाइस, भाई लोग सब भगवान मेहरबान। तो बारिश में हम लोग केक काट रहे हैं। तो गाइस ये हमारा केक बर्थडे बॉय। इधर को बूंदे भी पड़ रही थी बहुत तेज बारिश, लेकिन हम लोगों ने लेकिन कैमरा चलाना नहीं रोका, क्योंकि आशुतोष का स्पेशल बर्थडे, तो आशु का बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही था, तो हम लोगों ने बारिश में केक काटा इधर को। लेकिन बड़ी मजा आई, एक मेमोरेबल बर्थडे हुआ आशु का, बहुत अच्छा। फिर आशु ने मुझे केक खिलाया, मैंने फिर आशु को रोज़ खिलाया। हम सोचे कि इधर को अपने साथ भी एक ले लेते वीडियो, तो इधर को सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं अपना। और आशु भाई का तो देखो ना सीन, ये देखो सासु। क्या हाल चाल है बड़े बॉय? ठीक है, तुम काय बचे जा रहे हो? अरे यार ये देखो कैसे खा रहे हैं। अरे दैया इतनी कम खाओ आशु। हाँ भाई, हम लोगों ने बर्थडे मना रहे बारिश में आंसू। भगवान मेहरबान, भगवान मेहरबान ऑन दिस डे। भाई एक फोटो खींचो आशुतोष का, दुख तो देखो, ये देखो आशू बर्थडे बॉय। हम लोगों ने फोटो खींचा आशुतोष के साथ। फिर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने व्यू दो की वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।